अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होना है और उससे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान के निशान की पूजा हो रही है। और ये सनातनी परंपरा भी है कि भगवान राम के किसी भी शुभ कार्य से पहले हनुमान गढ़ी में दर्शन करना होता है, वहाँ पूजा करनी होती है। इसलिए हनुमान निशान की पूजा करना इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। वहाँ से हमारे संवाददाता विशाल प्रताप सिंह ने एक रिपोर्ट भेजी है, फिर वो रिपोर्ट देखिए। हम इस समय हनुमानगढ़ी में मौजूद हैं और हनुमानगढ़ी में इस समय एक ऐतिहासिक पूजा हो रही है, हनुमान जी के निशान की पूजा हो रही है। मेरे ठीक बगल में आप देख सकते हैं कि हनुमान जी को इस समय पूजा जा रहा है, हनुमान जी की जो निशान है उसकी पूजा की जा रही है। मान्यता ये है कि अयोध्या में कोई भी मांगलिक कार्य होता है, कोई भी बड़ा कार्य होता है, कोई भी अच्छा कार्य होता है, उससे पहले हनुमान जी के इस निशान की बाकायदा पूजा की जाती है। और यही पूजा इस समय यहाँ पर की जा रही है। ये माना जा रहा है कि राम जन्मभूमि में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो यहाँ पर वो बाकायदा इस पूजा में हिस्सा लेंगे। और इसी के लिए यहाँ देखिए आप किस तरीके से पूजा अर्चना चल रही है। आचार्य राजू दास जी हमारे साथ मौजूद है। राजू जी, पूजा की गई है, क्या इसका विधान है, क्या इसका महत्व है? ये सनातन संस्कृति परंपरा है और लगातार 1700 वर्ष पुरानी निशान है। और ये राम जन्मभूमि के लिए भव्य मंदिर निर्माण हेतु यहाँ पूजन निशान की हो रही है, सारे विघ्न बाधे दूर हों इसके नाते ये पूजन चल रहा है यहाँ पर। ये माना जाएगा कि कल ये निशान पहुँचेगा राम जन्मभूमि में? नहीं, निशान अब नहीं जाएगा, यही पूजन हो जा रहा है, यह मना लिया जा रहा है। और मान्यता यही है कि कोई भी शुभ कार्य से पहले हनुमान जी के निशान की पूजा होती है? कोई भी शुभ कार्य करने से पहले निशान की पूजा होती है। और यही निशान की पूजा इस समय हनुमानगढ़ी मंदिर में की जा रही है। हनुमान जी के नारे और जो उद्घोष है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। बाकायदा यहाँ पर घंटा बज रहा है, नगाड़ा बज रहा है, जिस तरीके से आरती हो रही है यहाँ का मनोरम दृश्य है। और इस दृश्य को देख करके समझा जा सकता है कि अयोध्या में इस समय किस तरीके का माहौल है, जब सैकड़ों की संख्या में राम भक्त यहाँ पहुँचे हुए हैं और वो अपने आराध्य को प्रणाम कर रहे हैं, उनके लिए नमन कर रहे हैं, ताकि राम जन्मभूमि परिसर का कल का जो कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से अच्छा हो। देखिए किस तरीके से लोग आचमन कर रहे हैं, जो भक्त हैं वो आरती कर रहे हैं। ये आरती का भी विशेष महत्व है और इस आरती को करने के साथ ही इस पूजा को संपन्न मान लिया जाता है, सभी को आरती कराई जा रही है। और ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब हनुमानगढ़ी पहुंचेंगे, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद वो राम जन्मभूमि जाएंगे और वहां पर भूमि पूजन के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो कहा जा सकता है कि जो शुभ मुहूर्त है उसकी अब शुरुआत पूरी तरीके से हो चुकी है। कैमरामैन मुक्तिदान साहब विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, अयोध्या। पहले गणपति जी की आराधना और उसके बाद हनुमान जी के निशान की पूजा। एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी के दर्शकों के लिए है, हम लाए हैं प्रभु श्री राम की, दिखाएंगे वो तस्वीर एक छोटे से ब्रेक के बाद।